कोष का आत्मा है, ऊर्म है, उसकी पुछ प्रतिष्ठा है, प्रथम उत्पन्न हुए महान यज्ञ पूजने को जानता है। इस प्रकार अन्य श्रुति के अनुसार मह यह मैत्पा का नाम है, वही ज्ञान समय का है, कारण उससे उसकी पुछ प्रतिष्ठा है, क्योंकि कारण ही कार्य वर्ग की प्रतिष्ठा आश्रय हुआ करता है। जैसे कि वृक्ष और लता गुल्म आदि प्रतिष्ठा पृथ्वी महत्त्व ही बुद्धि के संपूर्ण विज्ञानों का कारण है, इसीलिए वह विज्ञान में आत्मा की प्रतिष्ठा है। पूर्ववत उसके विषय में ही यह श्लोक है, अर्थात जैसे पहले श्लोक ब्राह्मणोक्त अन्नमय आदि के प्रकाशक है, उसी प्रकार यह विज्ञानमय का भी प्रकाशक श्लोक है। पंचम अनुवाद। विज्ञान विज्ञानवान पुरुष इस यज्ञ का विस्तार करता है और वही कर्मों का भी विस्तार करता है। संपूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान ब्रह्मा की उपासना करते हैं। यदि साधक विज्ञान ब्रह्मा है ऐसा जान जाए और फिर उससे प्रमाद न करे, तो फिर अपने शरीर के सारे पाप को त्याग कर वह समस्त कामनाओं को भोग को पूर्णता प्राप्त कर लेता है। यह जो विज्ञान में है वही उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीर का आत्मा है। उस इस विज्ञानमय से दूसरा इसका अंतर्वर्ती आत्मा आनंदमय है। उस आनंदमय के द्वारा यह पूर्ण है, वह यह आनंदमय भी पुरस्कार ही है। उस विज्ञानमय की पुरस्कारता के समान ही यह पुरुष आकार है। उसका प्रिय ही सिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आनंद आत्मा है और ब्रह्म पुछ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही यह श्लोक है, विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है, अर्थात विज्ञानवान पुरुष ही श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा आदि पूर्वक ही यज्ञ का अनुष्ठान करता है। अतः यज्ञ अनुष्ठान में विज्ञान का कर्तव्य है और तनु ने इसका भाव यह है कि वह कर्मों का भी विस्तार करता है। इस प्रकार क्योंकि सब कुछ विज्ञान का ही कार्य होता है, इसलिए विज्ञान में आत्मा ब्रह्मा है। ऐसा कहना ठीक है कि यहाँ नहीं इंद्र आदि संपूर्ण देवगण विज्ञान ब्रह्मा की जो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला होने से ज्येष्ठ है, अथवा समस्त वृत्तियाँ विज्ञान पूर्वक होने के कारण जो प्रथम उत्पन्न है उस विज्ञान रूप ब्रह्म की उपासना अर्थात ध्यान करते तात्पर्य है कि वे उस विज्ञान में ब्रह्मा में अभिमान करके उसकी उपासना करते हैं। अतः वे उस महद्वान की उपासना करने से ज्ञान और ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। उस विज्ञान रूप ब्रह्म को यदि जान ले, केवल जान ही न ले बल्कि यदि उससे प्रमाद भी न करे, ब्रह्म अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि ही कुछ है, उसके कारण विज्ञान में ब्रह्म में ही कुछ आत्मभावना से प्रमाद होना संभव है। उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं यदि उससे प्रमाद ना करे इत्यादि। तात्पर्य है कि यदि अन्नमय आदि में आत्मभाव को छोड़कर केवल विज्ञानमय ब्रह्म ही आत्मतत्व की भावना करके स्थित रहे तो क्या होगा। इस पर कहते हैं शरीर के पाप को त्याग कर, संपूर्ण पाप शरीर अभिमान के कारण ही होने वाले हैं। विज्ञानमय ब्रह्म में आत्म तत्व का अभिमान करने से निमित्त का क्षय हो जाने पर उनका भी क्षय होना उचित ही है। जिस प्रकार की छाते के हटा लिए जाने पर छाया की भी निवृत्ति हो जाती है, अतः शरीर अभिमान के कारण होने वाले शरीर जनित संपूर्ण पापों को शरीर में ही त्याग कर विज्ञान में ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ साधक उसमें स्थित सारे भोग को विज्ञान में स्वरूप से ही सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनका पूर्णतः उपभोग करता है। उस पूर्व कथित मनोमय का शरीर मनोमय शरीर में रहने वाला आत्मा भी यही है। कौन यह जो विज्ञान में है, तस्मद्वा एतस्मात इत्यादि वाक्य का अर्थ पहले कहा जा चुका है। आनंदमय इस शब्द से कार्य आत्मा की प्रतीति होती है, क्योंकि यहाँ उसी का अधिकार प्रसंग है और आनंद के साथ मयूट मयूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह अन्नमय आदि भौतिक कार्य आत्माओं का अधिकार है, उन्हीं के अंतर्गत यह आनंदमय ही भी होता है। मयट प्रत्यक्ष भी यहाँ विकार के अर्थ में देखा गया है कि जैसे कि अन्नमय इस शब्द में है अतः आनंदमय कार्यात्मा है ऐसा जानना चाहिए। संक्रमण के कारण भी यही बात सिद्ध होती है।
वह आनंद में आत्मा की प्रतीत संक्रमण करता है अर्थात आनंद में आत्मा को प्राप्त होता है, ऐसा आगे अष्टम अनुवाक में कहेंगे। अन्नमय आदि अनात्मा कार्य आत्मा के ही संक्रमण होता दिखा गया है और संक्रमण के कर्म रूप से आनंद में आत्मा का श्रवण होता है, जैसे कि यह अनन्मय अन्नमय आत्मा के प्रति संक्रमण गमन करता है। इस वाक्य में देखा जाता है कि स्वयं आत्मा का ही संक्रमण होना संभव नहीं, क्योंकि इससे उस प्रसंग में विरोध आता है और ऐसा होना संभव ही नहीं है। आत्मा का आत्मा को ही प्राप्त होना भी कभी संभव नहीं, क्योंकि अपने आत्मा में भेद का सर्वथा अभाव है और ब्रह्मा भी संक्रमण करने वालों का आत्मा ही है। आत्मा सर आदि की कल्पना असंभव होने के कारण भी आनंदमय कार्य आत्मा ही है, आकाश आदि के कारण और कार्य वर्ग के अंतर्गत न आने वाले हैं। उपयुक्त लक्षण विशिष्ट आत्मा में सर आदि अव्यय रूप कल्पना का होना संगत नहीं है। आत्मा में विशेष धर्मों का बाध करने वाले अदर्श अशरीर अनिवर्चनीय है और अनाश्रय में स्थूल और सूक्ष्म से रहित है। आत्मा यह नहीं कि यह नहीं है इत्यादि श्रुतियों से भी यही बात सिद्ध होती है। आनंदमय को यदि आत्मा माना जाए तो आगे कहे हुए मंत्र का उदाहरण देना भी नहीं बनता। सर आदि अवयवों से युक्त आनंदमय आत्मरूप ब्रह्म के प्रत्यक्ष अनुभव होने पर तो ऐसी शंका ही नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है, जिससे कि उस शंका की निवृत्ति के लिए जो पुरुष ब्रह्मा नहीं है ऐसा जानता है वह अजद्रुप्त ही इस मंत्र का उल्लेख संगत हो ही सके, तथा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है। इस वाक्य के अनुसार प्रतिष्ठा रूप से ब्रह्म को पृथक ग्रहण करना भी नहीं बन सकता, अतः यह आनंदमय कार्य वर्ग के अंतर्गत ही परमात्मा नहीं है। आनंद यह उपासना और कर्म का फल है, उसका विकार आनंदमय कहलाता है। वह विज्ञानमय कोश से आंतर है, क्योंकि श्रुति के द्वारा वह यज्ञ आदि के कारणभूत विज्ञानमय की अपेक्षा आंतर बतलाया गया है। उपासना है कर्म का फल, भोक्ता के ही लिए है, इसीलिए वह सबसे अंतरात्म होना चाहिए। सुपूर्वक्त सब कोशों की अपेक्षा आनंदमय आत्मा आंतरतम है ही, क्योंकि विद्या और कर्म भी प्रधानतः प्रिय आदि के ही लिए है। प्रिय आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उपासना और कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, अतः उनके फल रूप प्रिय आदि का आत्मा से सान्निध्य होने के कारण विज्ञानमय की अपेक्षा इस आनंदमय कोश का आंतरतम होना उचित है। प्रिय आदि की वासना से निष्पन्न हुआ यह आनंदमय सर्व अवस्था में विज्ञानमय के अधीन ही उपलब्ध होता है। उस आनंदमय आत्मा का पुत्र आदि इष्ट पदार्थों के दर्शन से होने वाला प्रिय ही प्रधानता के कारण सर के समान सिर है। प्रिय पदार्थ की प्राप्ति से होने वाला हर्ष मोद कहलाता है, वही हर्ष प्रकष्ट अतिशय होने पर प्रमाद कहा जाता है। वह सुख के अव्यभूत प्रिय आदि का आत्मा है, क्योंकि उसी में वे सब अनुसयुत है। आनंद यह परब्रह्म का ही वाचक है, वही शुभ कर्म द्वारा प्रस्तुत किए हुए पुत्र मित्र आदि विशेष विषय ही जिसकी उपाधि है उस सुप्रसन्न अंतकरण की वृत्ति विशेष में, जबकि वह तमोगुण से आच्छादित नहीं होता अभिव्यक्त होता है, वह लोक में विषय सुख नाम से प्रसिद्ध है। उस वृत्ति विशेष को प्रस्तुत करने वाले कर्म के अस्थिर होने के कारण उस सुख की भी क्षणिकता है, अतः जिस समय अंतकरण तमोगुण को नष्ट करने वाला तप उपासना ब्रह्मचार्य और श्रद्धा के द्वारा जितना जितना निर्मलता को प्राप्त होता है उतने उतने ही स्वच्छ और प्रसन्न हुए उस अंतकरण में विशेष आनंद का उत्कर्ष होता है, अर्थात वह बहुत बढ़ जाता है। यही बात वह रस ही है, इस रस को पाकर ही पुरुष आनंद ही हो जाता है, आनंदित हो जाता है, यह रस ही सबको आनंदित करता है। इस प्रकार आगे कहेंगे, तथा इस आनंद के अंश मात्र के आश्रय ही सब प्राणी जीवित रहते हैं। इस अन्य श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। इसी प्रकार काम शांति के उत्कर्षण की अपेक्षा आगे आगे के आनंद का सौ सौ गुना उत्कर्षण आगे बतलाया है।